हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करने वाले हम सेकेंड एआरसी का फिफ्थ रिपोर्ट, जिसमें हम पब्लिक ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले चार रिपोर्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में देखा है, जैसे कि आईटी पर था, या फिर गवर्नेंस में किस तरीके से एथिक्स का यूज करना है उसके बारे में था। ठीक है, तो डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में देख चुके हैं। इस फिफ्थ रिपोर्ट में जो पब्लिक ऑर्डर है, ये आपको कहाँ कहाँ पर काम आ सकता है, ये आपके जीएस के पेपर सेकेंड में काम आ सकता है, इसके अलावा आपको एसए में काम आ सकता है, इसके अलावा ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में कोई आपसे सजेशन पूछा जा सकता है पुलिस रिफॉर्म के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में, तो पब्लिक ऑर्डर से भी, यहाँ से भी आप कुछ सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ रिपोर्ट में पब्लिक ऑर्डर के बारे में। मेनली इसमें जितने रिकमेंडेशन है वही सारे इंक्लूड किए गए। तो सबसे पहले जो आपको रिकमेंडेशन देखने को मिलेगा, ये है सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम अदर फंक्शन। तो किसके फंक्शन से अलग करने की बात हो रही है, जो पुलिस की फंक्शन होती है उससे अलग करने की बात की जा रही है। तो पुलिस के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन का फंक्शन होता है, इसके अलावे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा गया कि पुलिस के पास जितने सारे फंक्शन हैं उनमें से इन्वेस्टिगेशन वाला जो फंक्शन है उसको अलग करना चाहिए। यानी कि इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस ना करके एक अदर एजेंसी हो जो ये काम करे। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा गया कि एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने की जरूरत है हर स्टेट में। ठीक है, अब पुलिस जो होता है स्टेट का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो हर स्टेट में एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने की जरूरत है, जिसके हेड चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से जाने जाएंगे, जो कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंडर में काम करेंगे। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऊपर होगा, इसके नीचे में ये आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी और इसके हेड होंगे, जिसको चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसमें यह भी कहा गया कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होगा इसके हेड कौन होंगे। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड रिटायर्ड या सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट के, जो हाई कोर्ट के जज होंगे उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड के रूप में। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास ये पूरी अथॉरिटी रहेगी कि वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को रेगुलेट करने का, यानी कि पूरा का पूरा आपको ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंडर में ही काम करने वाला है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो चेयरमैन होंगे और मेंबर होंगे, इनको अपॉइंट करने के लिए एक कलेजियम बनाया जाएगा, और इस कलेजियम को हेड करेंगे चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के अलावे स्पीकर ऑफ असेंबली, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, होम मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ दैट स्टेट। तो ये स्टेट की ये कुछ मेंबर्स होंगे जो उस कलेजियम का हिस्सा होंगे, जिसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होंगे, और वो कलेजियम क्या करेगा कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करने का काम करेगा। ठीक है, साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन का काम होगा, जो कि आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर में होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो चीफ होंगे क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, यानी कोई भी जो अपॉइंट किया जाता है चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तौर पर जिसे जाना जाएगा, वो इन्वेस्टिगेशन के मैटर की पूरी अथॉरिटी उसकी रहेगी। ठीक है, और उनका जो मिनिमम टेन्यूर होगा वो 3 साल का होगा, 3 साल पहले से आप नहीं हटा सकते बिना किसी एक्सेप्शन केस के। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि पुलिस जो होगी या पुलिस पर्सनल के अंडर में जो काम करने वाले लोग होंगे, उनके पास ऑप्शन होगा कि वो किसी भी एजेंसी में काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो काम करना चाहते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, या फिर लॉ एंड ऑर्डर या लोकल पुलिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन होगा कि किसी में वो काम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी पुलिस पर्सनल होंगे। इसके अलावा सेकेंड है अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी। इसके लिए कहा गया कि एक हर स्टेट में एक स्टेट पुलिस परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाई जाएगी, जिसमें फॉलोइंग मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो फॉलोइंग मेंबर्स कौन, होम मिनिस्टर उस स्टेट के जो कि चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे, इसके अलावा लेटर ऑफ अपोजिशन ऑफ दैट असेंबली, चीफ सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, साथ ही साथ जो वहाँ के डीजीपी होंगे यानी कि पुलिस के हेड, वो मेंबर सेक्रेटरी की तरफ पे काम करेंगे, और इसके अलावा 5 नॉन पार्टीशन इम्यूनिट सिटीजन जो होंगे उनको इस कमीशन का मेंबर बनाया जाएगा।
तो इस इतने सारे लोगों से मिलकर ये कमीशन बनेगी जो डिफरेंट फंक्शंस करने के काम करेगी। तो वो फंक्शंस क्या होंगे? पहला चीज गाइडलाइंस, पॉलिसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करने का काम। कैसी गाइडलाइंस? ताकि पुलिस की इफिशेंसी, उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके, उनके रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाया जा सके, अकाउंटेबिलिटी उनके तय हो, और ये सारा का सारा अकॉर्डिंग टू लॉ ये किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ पुलिस सर्विस में जो काम करने वाले लोग हैं या जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको किन तरीके से इवेल्युएट किया जा सके उनके फंक्शन को, तो इवेल्युएट करने के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करने का भी काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम किसी को इवेल्युएट करते हैं, पुलिस सर्विस प्रोवाइड करती है, तो पुलिस की सर्विस के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए आपके पास कुछ इंडिकेटर्स होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। तो वो इंडिकेटर्स बनाने का भी काम इनका इस कमीशन का होगा। इसके साथ साथ पुलिस सर्विस को रिव्यू और इवेल्युएट करने का भी काम इनका होगा। तो ये तीन तरीके के मेनली काम होंगे जो इस कमीशन के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि इसके अंडर में जितने भी लोग होंगे उनका जो मिनिमम कार्यकाल या मिनिमम टेन्यूर होगा वो 3 साल का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कमिटीज के बारे में। तो ध्यान रखिए यहाँ कमिटीज लिखी हुई है, यानी कि एक स्टेट में एक से ज्यादा इस तरह की कमेटी देखने को मिल सकती है। तो एक जो कमेटी होगी जो स्टेट पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कमेटी के नाम से जानी जाएगी, इस कमेटी को बनाया जाएगा। इस कमेटी का काम क्या होगा? इस कमेटी का काम ये होगा कि जो आईजी होते हैं पुलिस के, यू नो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो आईजी या फिर इससे ऊपर वाले रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनके अगेंस्ट कोई केसेस आता है तो उन केसेस को ये डील करने का काम ये कमेटी करेगी। ठीक है, कौन सी? स्टेट पब्लिक इस्टेब्लिशमेंट कमेटी। किसके केसेस आईजी ऑफ पुलिस और उससे ऊपर वाले रैंक के जो अधिकारी हैं उनके अगेंस्ट जो केसेस जाता है उसको डील करने के ये काम करेंगे। इसके चीफ के तौर पर चीफ सेक्रेटरी काम करेंगे, यानी कि चेयरमैन के तौर पर इस कमेटी के। इसी तरीके से एक सेपरेट स्टेट पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कमेटी बनाई जाएगी जो कि क्या करेगी कि सारे गस्टेड जो ऑफिसर्स होते हैं अप टू द रैंक ऑफ डीआईजी ऑफ पुलिस, ठीक है, सारे गस्टेड ऑफिसर अप टू द रैंक ऑफ डीआईजी ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अगेंस्ट में जो केसेस आएंगे उनको देखने का काम करेंगे। अब डीआईजी से ऊपर आईजी हो गया तो वो आपको चला जाता है इस वाली कमेटी के पास जिसके चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, ये करेगी। अब इस कमेटीज का काम क्या होगा? पोस्टिंग से रिलेटेड मैटर हो, ट्रांसफर से रिलेटेड मैटर हो, प्रमोशन से रिलेटेड मैटर, या कोई भी ग्रीवेंसेस हो या कोई भी केसेस उनके ऑफिसर्स के अगेंस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये सारे डील करने का काम करेंगे। साथ ही साथ इनके द्वारा जो भी सजेशन या रिकमेंडेशन दिया जाएगा वो क्या होगा? वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पर बाइंडिंग होगा, यानी कि इस रिकमेंडेशन को उन्हें मानना पड़ेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर कहा गया कि मिनिमम टेन्योर जो होगा 3 साल होगा, जितने ऑफिसर और स्टाफ काम करेंगे इस कमेटी के अंडर में 3 साल का उनका मिनिमम टेन्योर होगा। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग बर्डन ऑफ पुलिस आउटसोर्सिंग नॉन कोर फंक्शंस, यानी कि जो वर्कलोड है पुलिस के पास उसको किस तरीके से कम किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर यह कहा गया कि कुछ जो नॉन कोर फंक्शन है उनको आउटसोर्स किया जाए। तो नॉन कोर फंक्शन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि कुछ आईटी से रिलेटेड मैटर्स हो सकता है, कंप्लेंट, ओके, एंड जैसे कि साइबर सिक्योरिटी वाली चीजें होती हैं, तो ये सब सारी चीजें किसी थर्ड पार्टी को दिया जा सकता है। ठीक है, कोर फंक्शन नहीं। कोर फंक्शन जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या फिर इन्वेस्टिगेशन, सारी चीजें होती ही कोर फंक्शन हो जाती है। तो ये नहीं, जैसे मैंने कहा कि आईटी रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसे जो मामले होते हैं वो किसी थर्ड पार्टी को दिया जा सकता है। ठीक है, और उस थर्ड पार्टी को ट्रेन करने का काम पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम उस एजेंसी का ये करेंगे। और ये आपको फेज मैनर में होगा, ऐसा नहीं है कि एक बार सारा कुछ देना है, धीरे धीरे आप उनको दीजिए जैसा वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा वेलफेयर मेजर फॉर पुलिस, पुलिस के लिए कुछ वेलफेयर मेजर्स भी सजेस्ट किया गया। तो यहाँ पर कहा गया कि पुलिस पर्सनल्स के लिए रेशनल वर्किंग आवर्स होना चाहिए, यानी कि एक रेशनल आवर्स जिसमें वो काम करते हैं। जनरली 8 आवर्स होता है काम करने का, आप सबको पता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में 8 आवर्स के अलावा भी उनको काम करना पड़ता है। कभी 12 घंटे, कभी कुछ केसेस में 24 घंटे भी काम करने पड़ते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि किस तरीके के केस में कितना आवर उनको काम दिया जाए। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया कि पुलिस पर्सनल के लिए वर्किंग कंडीशंस को भी इम्प्रूव किए जाने की जरूरत है, उनके बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा सके,
सोशल सिक्योरिटी मेजर्स भी हो सर्विस के दौरान भी और पोस्ट रिटायरमेंट यानी कि रिटायर होने के दौरान भी किस तरीके की सोशल सिक्योरिटी आप दे सकते हैं वो भी दिया जाना चाहिए ना। आपको पता है कुछ मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह भी दिए जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ मेजर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन भी प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जाना चाहिए कि जो सर्विस के दौरान है उनको क्वार्टर्स अलोकेट हो पाए, ठीक है, जहाँ पर भी उनकी पोस्टिंग होती है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पर यह कहा गया कि दो तरीके की कंप्लेंट अथॉरिटी बनाने की जरूरत है, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया जाएगा और एक स्टेट लेवल पर बनाया जाएगा। तो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होगी यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया जाएगा वो क्या करेगा कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पुलिस के अगेंस्ट जो भी एलिगेशंस वगैरह लगते हैं विद इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अगेंस्ट जो भी एलिगेशंस वगैरह लगते हैं उनको ये डील करने का काम करेगा, ठीक है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो कंप्लेंट अथॉरिटी होगी ये कितने रैंक के अधिकारी तक को डील कर सकता है, ठीक है, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि ये डीएसपी रैंक के तक के अधिकारी जो होते हैं उनको तक ये डील कर सकता है, एसपी को ये डील नहीं करते, सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफ पुलिस को ये डील नहीं कर सकते। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को डील करने का काम किसका होगा, वो होगा स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का, जिससे मैंने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा और एक स्टेट लेवल पर होगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला जो होगा डीएसपी रैंक तक के अधिकारी के अगेंस्ट केसेस देखेगा और जो स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होगी वो क्या करेगी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड एवव तो एसपी और उससे ऊपर के अधिकारी जो होंगे उनके अगेंस्ट जो केसेस होंगे उनको देखने के लिए काम करेगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर कोई केस या कंप्लेन इनके अगेंस्ट गलत तरीके से बनाता है या फ्रेवलस टाइप का वो केस है यानी कि गलत आरोप लगाया जाता है तो इन अथॉरिटी के पास ये भी अधिकार होगा कि उस कंप्लेन करने वाले पर रिजनेबल फाइन भी लगा सकती है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होगी वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के फंक्शन को मॉनिटर करने का भी काम करेगी, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो ये कंप्लेंट अथॉरिटी होगी चाहे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट वाले इनके पास जो होगा वो सिविल कोर्ट का पावर होगा और इनको इस मामलों को एक मंथ के अंदर में ही निपटाना होगा, ठीक है। सिविल कोर्ट का पावर होगा और ये जितने मामले इनके पास पहुंचेंगे उनको एक महीने के अंदर इन्हें डिस्पोज करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसको स्ट्रेंथन करने की बात तो सही है, इसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पर बनाने की जरूरत है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ हमें टेक्नोलॉजी के यूज को भी यहाँ पर बढ़ावा देना होगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह कहा गया कि जो भी इंटेलिजेंस हमारे पास डेटा या इंफॉर्मेशन हमें इकट्ठा होता है उसका यूज सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के दौरान यहाँ पर किया जाना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो पुलिस सिस्टम है उसको भी रिवाइव्ड और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ठीक। इसमें यह भी कहा गया कि इंफॉर्मेशन या फिर इस किसी भी तरीके की जो इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाती है डेटा रहता है उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना होगा ताकि किसी की आइडेंटिटी जो है वो लीक ना हो पाए यानी कि सीक्रेसी जो होगी वो बरकरार रखनी होगी और साथ में ऐसे डेटा का कभी भी यूज किसी की थ्रेट के लिए या किसी से बदला लेने के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन इट इज ऑल अबाउट डेटा पायरेसी को रोकने के लिए बात हो जाती है यहाँ पे कि डेटा को किस तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए या इस आपको रिकमेंडेशन के अंदर में ये भी कहा गया कि अगर किसी भी तरीके का मेजर ब्रेकडाउन होता है पब्लिक ऑर्डर में तो यहाँ पर स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी होगी कि इसके लिए लायबल जो भी लोग हैं या अकाउंटेबल जो भी लोग हैं उनके अगेंस्ट वो कार्रवाई करें, ठीक है, जो भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में वो फेल हुए हैं। तो ये आपको करने का काम स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का होगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कहा गया अडॉप्शन ऑफ जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी। तो जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी का मतलब ये हुआ कि किसी भी तरीके का आपको टॉलरेट नहीं किया जाएगा अगर कोई पब्लिक ब्रेकडाउन होता है या कोई भी इशू होता है तो, ठीक है। तो इसमें ये भी बात आती है कि एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ये डेटाबेस क्या होगा कि इस डेटाबेस के बेसिस पर हम डिसीजन ले सकें। जैसे आप जानते हैं ना, जैसे कोई क्राइम होता है तो जो क्राइम का डेटाबेस होता है वो लोकेशन वाइज उसको तैयार किया जाता है। तो इससे पता चलता है कि
एक नंबर लोकेशन में अगर 5 केसेस है क्राइम में, दो नंबर लोकेशन में अगर 10 केसेस के हैं यहाँ पर, तो आपको ये देखना होगा कि दो नंबर वाले लोकेशन पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, ठीक है। और इसमें भी क्राइम के टाइप्स किस तरीके के हैं ये भी ध्यान रखना जरूर आपको होगा। जो NCRB का डेटा होता है उसमें कई सारे टाइप्स होते हैं क्राइम्स के, जैसे वीमेन के अगेंस्ट क्राइम्स हो गए, बच्चों के अगेंस्ट क्राइम्स हो गए, मर्डर केसेस होते हैं, करप्शन केसेस होते हैं, तो अलग अलग टाइप्स भी यहाँ पर दी जाती है। तो इन सारे डेटा के बेसिस पर ही हमें डिसीजन लेना होगा और हमें उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है ताकि इन क्राइम्स को रोका जा सके, ठीक है। तो ये आपको इस सजेशन के तहत में सारी चीजें कही गई हैं। इसके बाद स्टेटमेंट्स मेड बिफोर पुलिस ऑफिसर, इसके लिए यहाँ पर कुछ सजेशन दिए गए। इसमें कहा गया कि जो हमारा CRPC है, CRPC के अंडर में जो सेक्शन 161 एंड 162 है, इसमें अमेंडमेंट किए जाने की जरूरत है और कुछ नए पॉइंट्स उसमें ऐड किए जाने चाहिए। वो नए पॉइंट क्या होंगे? उसमें ये कहा गया कि जो विटनेस होते हैं और विटनेस का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, यानी विटनेस मतलब जो गवाह होते हैं, उनके स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड किए जाते हैं तो वो नैरेटिव के तौर में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या फिर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उनको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। और विटनेस रिकॉर्ड करने के बाद उनको साइन भी कराना चाहिए विटनेस के द्वारा, ताकि वो प्रूफ हो पाए कि ये विटनेस के द्वारा ही दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि एक स्टेटमेंट की कॉपी जो होगी वो इमिडिएटली उस विटनेस को भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि ये जो स्टेटमेंट होगे कुड बी यूज्ड फॉर बोथ कोरोबोरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोरोबोरेशन का मतलब हो सकता है कि ये जो स्टेटमेंट होगा वो उसके लिए फेवर में भी यूज किया जा सकता है और उसके कॉन्ट्राडिक्शन यानी उसके अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो सारे स्टेटमेंट्स होंगे ये या तो ऑडियो या फिर वीडियो टाइप्स में इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये आपको इस CRPC में अमेंडमेंट करने के लिए बातें कही गई। इसके बाद कन्फेशंस बिफोर पुलिस, अगर कन्फेशन जो अक्यूज्ड है वो अपना गुनाह कबूल करता है, ठीक है, उसको स्वीकार करता है, तो वो किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा ये इसमें बातें कही गई है। तो इसमें कहा गया कि कन्फेशन मेड बिफोर द पुलिस शुड बी एडमिसिबल, ठीक है, इसको एडमिसिबल होना चाहिए ये। इसमें ये कहा गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए, टेप्स होना चाहिए और इनको कोर्ट के समक्ष रखना चाहिए। तो अब ये सारी बातें करने के लिए आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत है, ओके। अब इसमें ये भी कहा गया कि जो एक्यूज है या विटनेस है उसको आपको बताना होगा कि आप ये जो कन्फेशन कर रहे हैं, ठीक है, इन ये कन्फेशन जो है ये आपके अगेंस्ट कोर्ट में यूज किया जा सकता है, इसलिए आप सोच समझ के बोलिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि रिकॉर्डिंग वहां पर की जा रही है। साथ ही साथ में ये जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पर, वो विटनेस या जो अक्यूज होगा उसके लॉयर या फिर कोई फैमिली मेम्बर वहां पर मौजूद हो, ये भी यहाँ पर एज्योर करने की बात की गई है, ठीक है। और साथ ही साथ उसका एक रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर लॉयर या फिर फैमिली मेम्बर को देना होगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि ये जो रिकॉर्डिंग हुई इसको तुरंत तत्काल इमिडिएटली आपको मजिस्ट्रेट को सौंपना होगा एंड देन मजिस्ट्रेट विल एग्जामिन कि ये जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो वॉलेंटरी है या अंडर ड्यूरेस है। तो वॉलेंटरी का मतलब इसने कन्फेशन जो किया हुआ है वो अपने आप किया हुआ है, या फिर अंडर ड्यूरेस मतलब कि वो प्रेशर में आकर उसे जबरदस्ती करवाया गया है, तो ये डिसाइड करने का काम मजिस्ट्रेट करेगा। इसके बाद अफस्पा की बात आती है। अफस्पा यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, जिसमें सीधा बात कही गई कि इसको रिपीट किए जाने की जरूरत है, इसको रिपीट कर दीजिए। लेकिन जब भी जिन स्टेट्स में ये लगाए जाते हैं उन स्टेट्स में अगर आपको आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय करना है तो उसके रिगार्डिंग एक अलग से सेक्शन आपको इंसर्ट करना होगा कूपा एक्ट 1967 में, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में एक आप इंसर्ट कर सकते हैं चैप्टर 6A के अंडर में, ठीक है, जिसमें पुलिस या फिर जो आर्म फोर्सेस होती है उनको डिप्लॉय करने के लिए एक सेक्शन होगा। लेकिन आप इस ये जो 1958 का एक्ट है इसको रिपील कर दीजिए और ये जो चैप्टर होगा ये केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये बातें कही गई आपको 1958 के एक्ट के तहत। द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, यहाँ पर कमीशन के रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो पब्लिक पुलिस स्टेशन होते हैं या पुलिस ऑफिसेस होते हैं उनकी क्वालिटी को इवेल्युएट करने के लिए यहाँ पर सिटीजन को भी इन्वॉल्व किया जाना जरूरी है,
ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करे कि सिटीजन्स के जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करने का काम करे, और इसको फॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू किया जा सकता है। फॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू इसके लिए क्या करे, कोई लॉ या एक्ट बना के सरकार लाए और इसको क्या करे, लीगल कर दे, ठीक है, यानी कि सिटीजन पार्टिसिपेशन को। इसके अलावा द रोल ऑफ मीडिया इन पब्लिक ऑर्डर, तो इसमें यह कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है यानी कि जो सरकार है उसके अलावा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वैसे डिसीजन जो पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट करते हैं तो तुरंत उसे क्या होगा कि मीडिया को उसके बारे में सूचित करने की जरूरत है, यानी कि वो डेटा वो इंफॉर्मेशन मीडिया को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो मीडिया है और जो ऑफिसर्स हैं यानी कि गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक दूसरे के व्यू पॉइंट को जानने के लिए हमेशा तैयार रहे और इस वजह से उनके बीच में इंटरेक्शन हमेशा होने चाहिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया के बीच में। इसके लिए टाइम टू टाइम एक ज्वाइंट वर्कशॉप या ट्रेनिंग्स भी ऑर्गेनाइज की जा सकती है। साथ भी यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा यानी कि जो सरकार होगी वो अपने तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि स्पोक्स पर्सन अपॉइंट करेगी मीडिया के लिए, जो कि मीडिया से जाके बात करेगा, जैसे आजकल होता है एक ऑथराइज पर्सन होता है जो मीडिया से बात करता है सरकार का। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि ऑफिसर शुड बी इम्पार्टेड ट्रेनिंग फॉर इंटरेक्शंस विद मीडिया, यानी कि मीडिया से कैसे बात करना है ये भी ट्रेनिंग आपको ऑफिसर्स को देनी होगी। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि एक सेल बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सेल लाइक डिपार्टमेंट एक बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो कि क्या करेगी मीडिया के रिपोर्ट को एनालाइज करेगी। अगर मीडिया कोई भी मैटर या कोई रिपोर्ट रखता है पब्लिक में तो उस मैटर को ये लोग एनालाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पब्लिक ऑर्डर के अंदर में कही गई हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीडिया से रिलेटेड अगर कुछ आता है तो कोर्ट करेंगे, सिविल सोसाइटी से रिलेटेड कुछ आता है, पुलिस के बारे में बहुत सारी यहाँ पर बातें की गई हैं, ठीक है, एफएसपी एक्ट के बारे में बातें की गई हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से आपको मिलेंगे जो आराम से आप जीएस, जैसे मैंने कहा GS 2 में तो यूज़ कर सकते हैं आप, मुझे लगता है आप GS 3 में भी यूज़ कर सकते हैं, खास करके जो इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर होता है वो टॉपिक जो आता है GS 3 में, आप वहाँ पर भी इनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, खास करके पुलिस वगैरह जो हो गई, FSPA वगैरह हो गया, मीडिया का रोल भी आता है भाई इंटरनल सिक्योरिटी में, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू एंड गुड लक।